बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, दिस इज फोर्थ लेक्चर फॉर बीएसएमएस इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। वी आर डिस्कसिंग फाइनाइट डिफरेंसेस। टुडे वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ डेटा। नंबर वन, इक्वली स्पेस डेटा, दिस इज इट्स डेफिनेशन। नीचे आप टेबल देखो तो एक्स की वैल्यू 0, 2, 4, 6, इसमें दो कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इसको इक्वली स्पेस कहते हैं। और नीचे अनइक्वली स्पेस डेटा में टेबल में देखो कि पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, और फिर चौथी वैल्यू 9 है एक्स की। तो दिस इज़ नॉट इक्वली स्पेस डेटा। नेक्स्ट वी हैव फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस का नोटेशन डेल्टा है, और ये इक्वली स्पेस डेटा के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स आई, ये इसकी डेफिनेशन है। ये साइड पे ये आप नोट कर लें, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर एक्स वन एक्स जीरो प्लस एच होता है, एक्स टू एक्स जीरो प्लस टू एच होता है, और ये चीज़ भी आप नोट कर लो। तो इस तरह से ये इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक्स वन एक्स टू का, वो एच है, जो कि स्टेप लेंथ कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स आई। वो ये होता है एफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ आई। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस होगा अपना एट एक्स आई पे। तो नीचे डेल्टा एफ जीरो, यहाँ से क्लियर वन बाई वन आप क्लियर करते जाओ। डेल्टा एफ जीरो इज एफ वन माइनस एफ जीरो, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ जीरो। डेल्टा स्क्वेयर एफ जीरो मीन्स डेल्टा एफ वन माइनस डेल्टा एफ जीरो, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ जीरो एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसका एंड पे ना वी ऑल एफ डीज फॉरवर्ड डिफरेंसेज ऑफ एफ आई कैन बी शोन इन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में, ये इस तरह इसको शो किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ नोट कर लो कि डिफरेंसेज विद द सेम सबस्क्रिप्ट आर लाई ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग डायगनल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायगनल डिफरेंस टेबल भी इसको कहते हैं। डायगनल पे ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद आप इसके बारे में कोई रिमार्क्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, और ये एग्जांपल देख लें। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल दैट अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग डेटा। तो इस तरह से एक्स और एफ एक्स की वैल्यूज, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया। आपको पता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, तो इनको लिखते इस तरह से जैसे ये टेबल में लिखा हुआ है। तो ये आप देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस सेम आ जाते हैं, 1, 1, 1 ये आ जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 0, 0 आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि द मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 2। ये हमने फाइंड आउट करनी थी डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल वो होती है कि जिस ऑर्डर पे जाके डिफरेंसेस सेम हो जाए। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में है। आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस पॉलीनोमियल डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट वी हैव बैकवर्ड डिफरेंसेस। इसके लिए जो नोटेशन है वो डेल होती है। डेल एफ आई इज इक्वल टू एफ आई माइनस एफ आई माइनस वन, डेल स्क्वेयर एफ आई इज इक्वल टू डेल एफ आई माइनस डेल एफ आई माइनस वन एंड सो ऑन। जैसे वो फॉरवर्ड डिफरेंस में पहली वैल्यू से आप जहाँ खड़े होते हैं वो माइनस करते हैं, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में जहाँ आप खड़े होते हैं उससे पहली वैल्यू माइनस होती है। दिस इज द डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में, इस तरह आप नोट कर लेंगे। तो डेल एफ जीरो, जैसे ये देखो अगले पेज पे एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर बी डी ऑफ एफ जीरो। डेल स्क्वेयर एफ जीरो इज इक्वल टू डेल एफ जीरो माइनस डेल एफ माइनस वन, सेकेंड बी डी ऑफ एफ जीरो, एंड ऑल बी डीज ऑफ ऑल एफ आई कैन बी शोन इन द बी डी टेबल। ये देखो बी डी टेबल इस तरह से बनता है। यहाँ एक्स जीरो नीचे से आपने लिखना होता है, एक्स जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर एंड सो ऑन। तो इधर से ये आई की वैल्यू 0, -1, 2, 3 और एफ जीरो एफ माइनस वन। इसी तरह से डिफरेंसेस बैकवर्ड डिफरेंसेस में ये, और बैकवर्ड डिफरेंसेस में आप देखते हैं कि डिफरेंसेस विद द सेम सबस्क्रिप्ट आर लाई ऑन द अपवर्ड स्लोपिंग डायगनल।
ये अपवर्ड स्लोपिंग डायगोनल है, तो इसमें भी ये रिमार्क्स पढ़ लीजिएगा आप। इससे भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये नीचे टेबल बना हुआ है, तो इसमें ये देख लो कि यहाँ डिफरेंसेस जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो सेम है, तो लिहाजा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगी। तो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल हम इस डेटा से बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ आई, डेल नहीं इसको सिग्मा पढ़ लिया करो, इसको डिफरेंस पढ़ लो ज़रा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस 1/2 माइनस एफ आई माइनस 1/2, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अगर आप देखो ना कि डेल्टा एफ आई प्लस 1/2, ये इसमें 1/2 ऐड करके माइनस करके देखो तो ये डेल्टा डेल एफ आई के बराबर आ जाता है। ऐसे सेकंड सिग्मा स्केयर एफ आई को अगर कैलकुलेट करो तो वो ये देखो ये जो रिलेशन नीचे आता है एफ आई प्लस 1 माइनस 2 एफ आई प्लस एफ आई माइनस 1, ये डेल्टा स्केयर एफ आई बन जाता है। तो इस तरह से इसका nth ऑर्डर भी लिखा हुआ है, तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, डेल एफ 1/2 इसको आप चेक कर सकते हैं इस डेफिनीशन से, ये जो ऊपर डेफिनीशन है ना इससे आप चेक कर सकते हैं। तो वो टेबल जो है वो डिफरेंसेस का उससे ये एग्री करते हैं। तो इस तरह से ये इसको आपने यहाँ तक कर लेना है, दिस इज द लास्ट पेज। तो ऑल डिफरेंसेस विद द सेम सबस्क्रिप्ट्स लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑल इवन ऑर्डर डिफरेंसेस हैव इंटीजर सबस्क्रिप्ट्स, ईच एंट्री इन द टेबल हैज़ वन ऑफ द 3 नेम्स। फॉर इंस्टेंस ये देखो एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई डेल्टा एफ आई होता है, और ये डेल एफ आई प्लस 1 भी होता है, और ये सिग्मा एफ आई प्लस 1/2 भी होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन नीचे जो लिखे हैं ये होल्ड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।